हेलो प्रेन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। तो प्रेन हाजिर हो एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हो बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम की न्यू लाइटिंग पैल, वो भी न्यू अपडेट के 4.0.3 अपडेट की लाइटिंग पैल। GB2 बस पे भी वर्क करेगा, GB3 बस पे तो फुल वर्क करेगा। तो यकीनन बहुत खूबसूरत और मज़े का लाइटिंग पैल है। फ्रेंड, इस लाइटिंग के साथ आपको मिलेगा बहुत सारा वेलकप पैल, ठीक है। जो वेलकप आप अपने बस पे लगाएगा तो वही वेलकप का जो कलर है वो चेंज होगा, ठीक है। सिर्फ कलर चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर मतलब सफेद पट्टी भी आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको लोगों को जो है पे मतलब जो वेलकप पे वो दिखा दूंगा, बस पे ऊपर मैं लगाऊंगा ऑल वेलकप। यकीनन बहुत खूबसूरत लाइटिंग पहले मैंने ऐसा लाइटिंग जो है कभी भी बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम में नहीं देखा है, ठीक है। तो फ्रेंड, इस वीडियो के बाद जो है आपने फटाफट जो है डाउनलोड करना है, ज़रूर डाउनलोड करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करो, तो मैंने जो है सेकेंडरी बस लाइटिंग पर वीडियो बनाया था। तो बहुत सारा दोस्तों ने कहा कि सही भाई, आप जो है GB3 बस का लाइटिंग हमारा साथ शेयर करो। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा GB3 बस का लाइटिंग। इंशाल्लाह इसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ GB1 बस का लाइटिंग भी जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, काफी दोस्त है उनको डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता है कि लाइटिंग पैल हम कैसे डाउनलोड करें। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने लाइटिंग पैल मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन से कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बस पे ऊपर आपने कैसे लगा देना है, जैसे मैंने बस पे ऊपर लाइटिंग ऐड किया है। तो स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइटिंग का थोड़ा सा रिव्यू करवाऊंगा कि कैसे लाइटिंग है बस पर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं जो आप लोगों को डाउनलोड करने का तरीका मुकम्मल बता दूंगा, ठीक है। तो आप लाइटिंग चेक करो, आपके बस पर मुकम्मल लाइटिंग ऐड होगा, ठीक है। तो यकीनन इस अपडेट की ये वाला लाइटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। आप फ्रेंड मेरे एक बात भूल गए, ठीक है, ऑल बसी फ्री अनलॉक APK मोड प्लस OBB पैल, ठीक है। अगर आपने ऑल बसी फ्री अनलॉक APK डाउनलोड नहीं किया तो उस पर मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके साथ आपके APK मिलेगा और OBB मिलेगा, ठीक है। OBB से ये फायदा है, OBB के अंदर आप अर्थ पैल मतलब पेस्ट कर सकती है, लाइटिंग पैल पेस्ट कर सकती है, बम्पर पैल, हर पैल आप OBB के अंदर पेस्ट कर सकती है। आपको जो पता है 4.0.3 अपडेट जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा तो उसमें आपको OBB पैल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन से APK प्लस OBB डाउनलोड करेगा तो आप उसके अंदर हर चीज़ भी जो है आसानी से पेस्ट कर सकती है। उस APK के अंदर मैंने ये वाला लाइटिंग भी पेस्ट किया है, बहुत सारा पैल मैंने पेस्ट किया है। फ्रेंड, आप भी डाउनलोड करो OBB प्लस APK और बस ये फ्री अनलॉक, ठीक है। उसके अंदर आप OBB के अंदर आप हर पैल जो है आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। आपको ये नया अपडेट वाला लाइटिंग पैल कैसा लगा? GB3 बस पे भी वर्क करेगा, GB2 बस पे भी वर्क करेगा, ठीक है। ऑल बसों का जो वेलकम पैल है, टेरो का जो सफेद पट्टी है वो मुकम्मल बसों का चेंज होगा, ठीक है। और लाइटिंग सिर्फ ये दो बसों पे वर्क करेगा, GB2 बस पे और GB3 बस पे जो लाइटिंग है वो वर्क करेगा। आप फ्रेंड, इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के साथ जो है GB1 का लाइटिंग भी जरूर शेयर करवाऊंगा, वो भी नया अपडेट के 4.0.3 अपडेट की। अच्छा फ्रेंड, काफी लोग न्यू है उनको ये पता नहीं है कि 4.0.3 अपडेट या 3.0.1 अपडेट ये अपडेट क्या होता है, ठीक है। काफी लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं कि सही भाई, आपने आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन से जो है पैल डाउनलोड किया, लेकिन जब आप अपने गेम के अंदर जाओ हम पेस्ट करेंगे लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है। मैं जब वही पैल पेस्ट मतलब चेक करवाऊंगा वो जो है 3.0.1 अपडेट के, उसको मैं कह रहा हूँ ये तो मतलब ये पुराना अपडेट के, वो बोल रही है अपडेट कैसे। मैं उसको ये कह रहा हूँ कि आप पहले अपने गेम चेक किया करो, ठीक है। अगर आपका गेम 4.0.3 अपडेट के, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो कि 4.0.3 अपडेट के पहले जो पैल आप पेस्ट करेगा उसका नाम आप लिखो, वो आपके पास यूट्यूब पर आएगा, ठीक है। अगर आप मतलब 3 पॉइंट अपडेट का मतलब चीज़ आप यूट्यूब पे देखेगा वही भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बहुत सारा फाइल आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। पहले आपने अपने मोबाइल में देखना है कि मेरे गेम कौन से अपडेट में अभी मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड, मैं आप लोगों को इस फाइल डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा कि आपने मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से कैसे डाउनलोड करना है, लेट्स गो। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने फाइल को कैसे डाउनलोड करना है मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड कलर पट्टी लगाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ हर बात आसानी से आ जाए, ठीक है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप दो स्टेप आपने फॉलो करना है, आपके पास मीडिया पर ऑटोमेटिक ओपन होगा, ठीक है। मीडिया पर का लिंक आपने वन स्टेप डन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है, सबसे आपने लास्ट पे आना है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास यहाँ पे एक दूसरा बटन आपको मिलेगा कंटिन्यू, ठीक है, इस पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दूसरा सा यहाँ पे दूसरा पेज ओपन होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे सिर्फ आपने 10 सेकेंड वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 सेकेंड कम्प्लीट हो गया, उसके बाद आपने जो है नीचे आना है, ठीक है।
सब सिर्फ आपने नीचे जाना है, ऊपर आप मतलब और आपने चढ़ आप इसके अंदर आपने नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप रेड कलर के मतलब दूसरा कंटिन्यू मिलेगा, इस बटन पे आपने दोबारा जो है क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पेज के बाद आपके पास ऑटोमेटिक मीडिया फायर का लिंक ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे आपने जो है 20 सेकेंड की वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 सेकेंड वेट किया, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। तो जैसे आपका 20 सेकेंड मतलब कंप्लीट होगा तो नीचे आपको यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस कंटिन्यू बटन पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक मीडिया फायर का लिंक ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेट लिंक पे आपने क्लिक करना है, आ गया हमारा पास मीडिया फायर का लिंक। मीडिया फायर लिंक तो हमसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकती है। तो जैसे आप मीडिया फायर लिंक पर क्लिक करेगा तो आपका मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे मैंने डाउनलोड किया, आपने भी आपके पास भी सेम टू सेम इस तरीके से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, जैसे आपने डाउनलोड करना है उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने लगाना कैसे है, ठीक है। उसके बाद आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे आना है, स्क्रीन आने के बाद आपने जेड आर्चोर को ओपन करना है, ठीक है। जेड आर्चोर ओपन करने के बाद आपने डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे अपने नीचे आपको एक फाइल मिलेगा, ठीक है। इस फाइल पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, जब एक्सट्रैक्ट होगा तो ऊपर आपके पास एक फोल्डर बन जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं फोल्डर में बहुत सारा फाइल होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है, जितने मतलब फाइल है आपने सब यहाँ से जो है कॉपी करना है। पहल पे लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। जैसे पहल पे आप लॉन्ग प्रेस करेगा तो आपने यहाँ से मतलब पहल को कॉपी करना है। जैसे आप पहल कॉपी करेगा उसके बाद आपने बैक जाना है, एंड्रॉयड फोल्डर आपने ओपन करना है, मैन ओबीबी फोल्डर आपने ओपन करना है, ठीक है। बस मिलियो मैन ओबीबी आपने यहाँ पे ओपन करना है। ओबीबी के अंदर आपको जितने भी फोल्डर आएगा, ठीक है, सब फोल्डर आपने ओपन करना है। उसके बाद आपके पास बहुत सारा फाइल आएगी, ठीक है। पहलुओं के अंदर आपने यह लाइटिंग पहल भी पेस्ट करना है, ठीक है। तो आपका गेम में 101% जो है लाइटिंग पहल जो है पेस्ट होगा। तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, तो जब आपका लाइटिंग यहाँ पे पेस्ट होगा उसके बाद जो है आपने गेम को ओपन करना है, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा आप लोगों के सामने, मैंने अपने गेम के अंदर लाइटिंग पहल को पेस्ट किया, अब मैं जाऊँगा गेम को लॉग इन करूँगा, हमारा गेम में लाइटिंग पहल एड होगा या नहीं। फ्रेंड यहाँ पर मैंने गेम को प्ले कर दिया, अभी मेरे पास गेम में लाइटिंग पहल एड हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड आपने भी सेम टू सेम इस तरीके से लाइटिंग पहल को डाउनलोड करना है, जो तरीका मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया, ठीक है। और लगा देना है आप इस तरीके से जो मैंने आपको वीडियो में बताया, ठीक है। 100% रियल तरीका मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आपने भी वही तरीका फॉलो करना है, आप 100% अपनी बस पे भी इस तरीके से लाइटिंग ऐड कर सकती है जैसे मैंने अपनी बस पे ऊपर लाइटिंग ऐड किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है। अगर कोई भी भाई चैनल पर न्यू है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना है, बेल आइकॉन को भी आपने ऑल पे सेलेक्ट करना है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है उसको आपको आसानी से मिलेगा, ठीक है। तो चलो फ्रेंड आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जितने फ्रेंड लव यू, जिंदाबाद।